अहमद, ये देखो आपके लिए क्या आया है, ये पार्सल आए मेरे बेटे के लिए, गिफ्ट आए आपके, है ना। आओ ये वाला तो अभी 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 लेके आए हैं, वो डाक आदमी लेके आया, वो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, चलो वहाँ पे खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अभी ड्यूटी से 2 घंटे पहले वापस आया था तो नमाज़ वगैरह पढ़ी, लेट गया, सो गया, तो बेटे ने मुझे जाके ज़बरदस्ती उठाया। मुझे तो पता नहीं था कि पापा मेरे पार्सल आ गए, तो ये ऑनलाइन इसने पार्सल करवाए थे, मुझे भी इस चीज़ का पता नहीं, तो अभी बाहर से पार्सल लेके आया हूँ जो आप अभी देख रहे थे। ये क्या क्या चीज़ें हैं बेटा? जेनेटिक बाल और कपड़े। तो ये कब आपने ये करवाए हैं बुकिंग? पिछले दिन। अच्छा, पिछले दिनों तो हमें बताया नहीं। तो ये दोस्तों, ये खुद ही ऑनलाइन बुकिंग करवाता रहा, ये कोई जिमनास्टिक बाल होती है पता नहीं, देखते हैं, और इसमें क्या है कपड़े। तो कपड़े हैं, तो हम इसको अभी खोलते हैं, देखते हैं ये क्या, इसने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है। तो इधर हम यहाँ पे छोटी सी चारपाई पे बैठ जाते हैं, नन्ही चारपाई पे। अहमद इधर से आओ बेटा, इधर हम इसको भी खोल लेंगे कि क्या चीज़ है ये। तो पहले हम ये अहमद के जिमनास्टिक बाल खोलेंगे। तो ये दोस्तों जिमनास्टिक बाल हैं बच्चों के लिए, देखते हैं जिमनास्टिक का बाल क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों ये पहला पार्सल है, हम देखते हैं, इसको जिमनास्टिक बाल बोलते हैं। तो ये 1700 रुपए का आया, इसकी ये प्राइस है, और इसमें कितने तकरीबन 15-20 पीस होते हैं या इससे ज़्यादा। तो अब हम इसको खोल के देखते हैं ये किस तरह का है, किस शेप का है। तो अहमद मेरे साथ हेल्प करवाएगा। अहमद यहाँ से इसको कटिंग करो, ये यहाँ से कटिंग करो, यहाँ से कटिंग करो, आप यहाँ से पकड़ो, मैं खोलता हूँ। तो ये हम इसको ऐसे खोलते हैं, ऐसे ऐसे करके हमने खोला है। तो अब इसमें से ये एक डिबिया निकली है, जो कि एक सरप्राइज़ है। इसके ऊपर ये छोटा सा शीशा लगा है, इसके अंदर नज़र तो आ रहा है लेकिन पता नहीं क्या है। ये अहमद बड़ा, ओ अहमद ये क्या है, ये क्या है, ओहो। तो ये देखो दोस्तों, इसकी कितनी खूबसूरत पैकिंग है, फोम है, फोम के अंदर, डिबिया के अंदर फोम है, उसके अंदर ये ऐसे रखा है, और उसके अंदर ये प्लास्टिक की डिबिया है, उसके अंदर अहमद ये अब निकाल के देखें। यहाँ पे हम ऐसे यहाँ पे रखते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरह का है और क्या है। ओहो, तो ये कितने कलर का है? 1 2 3 4 5 6 कलर के हैं, 6 कलर के हैं। तो इनको अब कैसे करना, अलग, ओ अलग अलग करो, ओ। तो अहमद को दोस्तों बहुत तजर्बा है, ये ना ये वो मोबाइल पे ये बच्चों के जो प्रोग्राम यूट्यूब पे होते हैं ना, खिलौनों खेलने वाले, वहाँ खेलते देखता रहता है, तो वहाँ से इसने देखा। तो ये देखो, ये इसकी शक्ल इसने बिगाड़ के रख दी है। तो ये ना ये ऐसे ऐसे को देखने से लगता है कि टूट गया, ये अलहदा अलहदा हो गया, लेकिन फिर इसको ऐसे करके हम ये देखो, हम इसकी ये बॉल बन गया। तो इसको हम ऐसे स्टिक बनाते हैं, यानी कि ना इसके साथ दोस्तों बहुत ही दिलचस्प चीज़ें बनती हैं। ये हम ये बन गया ऐसे करके, तो अगर इसको ऐसे खींचे तो टूट गया है, यानी कि इसके साथ काफ़ी काफ़ी काम होंगे। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है बच्चों के लिए, खिलौना है ये। ऐसे अगर इसको ऐसे देखें ना दोस्तों, तो इसमें ऐसे ऐसे लगता है, ऐसे लगता है कि इसके अंदर ना धागा है, जैसे ये तस्बीह होती है ना, तस्बीह की लड़ी होती, तो तस्बीह की लड़ी लग रही है। लेकिन हैरानगी की बात है, ये देखें, ये एक जादू टाइप है, ये इसको मैंने तोड़ा है, ये अलहदा हो गई, और ये इसको एक दाने को अलहदा किया, ये भी अलहदा हो गया, और ये भी अलहदा हो गया, अब ये एक रह गया है। तो इसको जब हम ऐसे इकट्ठा करते तो इकट्ठा हो गया, इधर यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, हम दोस्तों को दिखाएंगे। ये देखो दोस्तों, ऐसे करके ये कैसा, ये साथ चिमट गया, और ये फिर ऐसे लग रहा है, ये मैं फिर आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एक तस्बीह की लड़ी होती है। तो इसको हम दोबारा इसमें डालते हैं। अब अहमद हमने दूसरा भी वो देखना है ना, वो पार्सल कि उसमें क्या है। तो ये तो बाद में आराम से बैठ के खेलने वाली चीज़ है। तो इसको एक मिनट ठहरो ना बेटा, इसमें बंद करो,
तो अहमद ये क्या है ये इस पार्सल? ये मेरे पापा के बेटे के लिए। ओ पापा के बेटे के लिए। इसमें क्या कपड़े वगैरह हैं? हाँ। तो ये अभी इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या। एक मिनट, वो अंदर वाली चीज़ कटिंग ना हो जाए, इसको हम खोल के अभी देखते हैं। एक मिनट ठहरो, इसको ऐसे करते हैं, कैंची के साथ खोलते हैं। पता नहीं अंदर कोई चीज़, ज़रा एहतियात करनी होगी कि अंदर वाली कोई चीज़ कटिंग ना हो जाए। ओ इसमें तो बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ें नज़र आ रही हैं। खोलूं दिखाऊं? ओ आप ही देखो, वाह वाह क्या चीज़ है। अभी अभी ठहर, जो अंदर वाली चीज़ें कटिंग ना हो जाए। नहीं होती। तो अभी ये देखो कितना प्यारा प्यारा चीज़ अच्छा है। तो इसके साथ ही इतनी प्यारी, एक मिनट है। तो दोस्तों ये इसकी प्राइस है 715 रुपये। और अब इसको हम खोल के देखते हैं। और ये बहुत प्यारी और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, बहुत पायदार होती हैं। ओ अहमद ये देखो, ये तो बेबी ड्रेस है, बेबी कपड़े हैं। उसके लिए है ये, कि फूफो के बेटे के लिए। अच्छा तो यार हमें तो आपने बताया नहीं, आपने ये खुफिया खुफिया ये इसको ऑर्डर दिया है। तो अभी हम ये अपने दोस्तों को भी दिखाते हैं, शेयर करते हैं कि ये अहमद ने अपने फूफो के बेटे के लिए क्या मंगवाया। वो ये मोज़े हैं, ये बोन बेबी के लिए, ये छोटे वो शूज़ टाइप ही होते हैं बोन बेबी के लिए। तो ये है इसमें दो, और साथ ये क्या है, ये कैप है, और ये कैप है गर्मी से बचने के लिए और सर्दी से बचने के लिए, बड़ा प्यारा कैप है। और ये है, और ये क्या है, एक मिनट देखते हैं, खोल के देखते हैं इसको, खोल के देखते हैं इधर से भी हम खोल लेंगे। इसका बीच में है ये, या हम इसको इधर फेंक देते हैं। एक मिनट ठहरो मेरा बेटा, ये टेपे लगी। ओ तो ये इसमें एक बहुत प्यारी ये शर्ट है, देखो ये ज़रा क्लोज करके दिखाओ ना, इतनी प्यारी ये, इतना प्यारे ऊपर डक डक बनी हुई है। तो ये है बहुत ही VIP कंपनी की, तो बहुत ये बहुत ही प्यारी है और इतनी सॉफ्ट है कि ऐसे लगता है जैसे टिश्यू पेपर है। और ये साथ पजामा है, वाह भी वाह। तो ये दोस्तों आम मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑनलाइन मंगवाया है कराची से, और इसकी मिसाल अपनी नहीं मिलती है। तो ये क्या, अभी ये देखते हैं इसमें। ओहो ये टॉवल है, बच्चों को नला के इसमें ऐसे करके यान डाला, बच्चों को लपेट के ऐसे करके गोदी में डाल लिया, तो बच्चों को सर्दी नहीं लगती, क्योंकि जो बोन बेबी होते हैं ना दोस्तों, वो उनको गर्मी में भी सर्दी महसूस होती है। तो ये पूरा उन्होंने, कंपनी ने बहुत अच्छा प्यारा पैकेज दिया है। इसकी इतनी प्राइस भी कोई नहीं है, 700 रुपया प्राइस है। और पीस कितने हैं, ये टॉवल है और ये शर्ट है और ये पजामा है और ये कैप है और ये मोज़े हैं, इतना सामान और बहुत कम प्राइस में। तो दोस्तों ये अभी एक पार्सल जो हमने वसूल किया, ये सब अहमद का काम है, जो अहमद ने बुकिंग करवाई है, हमें तो पता ही नहीं चला। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा प्यारी चीज़ें मंगवाई हैं, बहुत समझदार बेबी है। तो अहमद आप दोस्तों को बताओ कि आगे वो 7 जून से माशाल्लाह स्कूल भी खोल रहे हैं, और अहमद अपने स्कूल जा रहा है माशाल्लाह पढ़ने के लिए। कल बाकी और भी ऑर्डर आएगी, अभी और दोस्तों और ऑर्डर भी। तो इंशाल्लाह हमारी बैफलो भी खड़ी है, इंजॉय करिए। तो माशाल्लाह अपने मंजिल की तरफ रवाना है इसका, अब ये छठा मान जा रहा है, और इंशाल्लाह खैर खरीद के साथ। तो और सुनाए दोस्तों क्या हाल है, आजकल गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है और 2-3 दिन से तूफान आया था, तो काफ़ी हालात ख़राब काफ़ी। तो अभी दोस्तों इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। तो ख़ास तौर पे ये दोस्तों आपसे बात करनी थी, अगर हमारी ये मूवी आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हमारी मूवी में कोई अगर कमी पेशी है या कोई आपके दिल में सवाल है, क्वेश्चन है, तो ज़रूर हमें करें।
और इंशाल्लाह हम उसका आपको जवाब देंगे। ये हमारी जो शॉपिंग है ऑनलाइन, इसके मतलब अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अहमद भी माशाल्लाह स्कूल जा रहा है 7 जून से, और अहमद के लिए भी कमेंट्स कीजिएगा। अहमद दोस्तों को अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़।